दिख रहा है। ये अम्मा कर तो नदिया। तो जय हिंद मेरे चाहने वालों, कैसे सारे सब बढ़िया? मैं बढ़िया। तो आपका स्वागत है सोलोवेस स्क्वाड के एक अनदर गेम प्ले में। और आज हमने बहुत से चुनौतियों और चुनौतियों को पार करके भुइया लिया या नहीं लिया, ये तो तुम्हें वीडियो अंत के में वीडियो के अंत में पता चल ही जाएगा। और तुम्हें पूरा वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि तुमको लग रहा होगा छोटा सा गेम प्ले होगा डेली की तरह, बट ऐसा नहीं है गाइस। कल रैंक डाउन हुआ तो उसी के मैच में खेलते हुए हमें कुछ ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिससे हमें नहीं करना चाहिए। और मेरे सामने एक चमन चुतिया बंदा था जो कि गन शायद पा गया था, नहीं पाया था, तो मैं इसको डैमेज देता हूँ, फिर सोचता हूँ कि मारूँ ना मारूँ। देखो इसको यहाँ पर प्रसाद खिला कर। और वीडियो में लास्ट में मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओके 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 ओके। जिससे तुम्हें अंदाजा होगा कि कुछ चीजें जो अच्छी नहीं है फिर भी कहीं कहीं पे हमारे लिए वो फायदेमंद हो जाती है। बात तो सही है। और यहाँ पे भारी कैंपिंग की दुनिया में एक बंदा खुला में घूम रहा था, तो मैंने कहा भाई अंदर चला जाओ वरना कोई पेल देगा, और पेल भी दिया। अब वो जो बंदा जिसने इसको डाउन किया है वो इसको किल कन्फर्म करने के लिए तो आएगा, और इसी ताक में मैं इसको इसके पास चला जाता हूँ जिससे मुझे जो जिसने इसको मारा उसको मारने का मौका मिले, और मिला भी। तो यहाँ पे ये आके पत्थर के पास लुक जाता है और इसको लगता है इसको भगवान की दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती, लेकिन इसको इस बात का अंदाजा नहीं कि आज मेरे हाथ में स्नाइपर है। और ऐसे सिचुएशन में मेरे हाथों से बच पाना मतलब कि नामुमकिन है। तो चलो पेड़ा बोलो भारत माता की जय। और यहाँ पे इसका काम 25 करके मैं किसी अगले शिकार की ओर जाता हूँ, लेकिन तभी शिकार सामने से खुद खाए करता है। तो मैंने कहा जब शिकार को खुद ही अपने मरवानी तो मुझे क्या है, मैं भी रस करके पारता हूँ, पर ढूंढता मिलता नहीं है। और जब बाद में मैं इसको यहाँ वहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढने का प्रयास करता हूँ, तब ये पता नहीं कौन से मिस्टर इंडिया की तरह गोल हो जाता है, गायब हो जाता है। इसको शायद लॉबी में मेरा नाम दिख गया होगा कि केटीएम भाई आए हैं, बहुत गंदा पे लेंगे इसलिए भग दिया। अच्छा तो गाइस मैं वहाँ से गाड़ी उठाकर आगे की ओर बढ़ता हूँ, तब ये बंदे फिर से मेरे को फायर करता है, तो मेरे को पता चल जाता है ये चमन चुतिया पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सलमान भाई की तरह डोला काटते हुए इसके आगे पीछे घूमता हूँ और ये मेरी गाड़ी को जला देता है। तो अब मेरी बारी मेरी थी इसकी गाड़ी को जलाने की। अरे जाता कहाँ है साले? गलत गल्ला ना करी, जब पता है सामने केटीएम भाई से तुमको भाग जाना चाहिए था, क्यों अपने मौत को अपने ही गले लगाना चाहते हो? ए, भाड़ू कम बोलने जा रहा हूँ। बट पता नहीं इसका क्या दिमाग था, मेरे से पंगा लेकर फालतू का रैंक माइनस करवा लिया। नहीं तो कि जब पता है भाई सामने इतना बड़ा लेजेंड खड़ा है तो तुमको भाग जाना चाहिए था ना ऐसे में। खैर खैर खैर, वहाँ से मैं आ जाता हूँ फॉरगेट की तरफ और आगे देखता हूँ एक बंदा अपने स्क्वाड को रिवाइव कर। खैर रिवाइव तो कर दिया था। और यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है गाइस, टीम में से तो ऐसे अपनी जान देखकर अपने दोस्तों की जान बचा लेते हैं। और एक हमारे टीममेट्स हैं साले, अगर इनके पास टोकन भी होता तो पहले अपने लिए गन बैग्स ग्लूवाल वगैरह खरीदेंगे, जब बचा कुचा 100-200 बचेंगे तो उससे रिवाइव दे देंगे। और जैसे मैं यहाँ से निकल रहा होता हूँ तभी मेरे ऊपर स्नाइपर से हो जाता है हमला, भयंकर हमला। तो अब बारी मेरी थी उनके ऊपर हमला करने की। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गंदी गेम है, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं कि जी की जगह आर, आर की जगह जी, अगर जी की जगह आर रखते थे तो और अच्छा नाम बन जाता। तो वहाँ से मैं अपने धनों उठाकर आ जाता हूँ आगे की ओर, और यहाँ पे मेरे कुछ जान के दुश्मन मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बंदे को मैं भयंकर डैमेज देता हूँ बट वो गुलवल लगाकर बच जाता है, और उसके दूसरे बंदे को भी मारता हूँ बट वो भी बच जाता है। फिर मैं वेट करता हूँ कभी बाहर निकले और कब हम इनकी आँखें फोड़ दें, बट ये ऐसा नहीं होता, मेरे अलावा भी इनके ऊपर एक थर्ड पार्टी हमला कर देती है। तो मैं इनको यहाँ से छोड़ छाड़ के निकल जाता हूँ ब्राज़ीलिया के लिए। और जैसे ब्राज़ीलिया पहुँचता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे मेरे लिए दो कैंपर बड़ी श्रद्धा से इंतजार कर रहे थे। अच्छा। और शायद उनको भनक पड़ गई थी कि यहाँ पे कोई ना कोई नूबड़ा तो आएगा और वो कैंपिंग करके उसे आसानी से मार देंगे, बट ऐसा नहीं होता है, उनका दांव पेज मैं उन्हीं के ऊपर खेल देता हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल।
तू तो गया बेटे। अबे क्या करता है दाल? टीम वाइपर। बेचारे बंदे अच्छा भला खासा रैंक पुश कर रहे थे, बट पता नहीं कहां से उनको चुल मची कि मेरे को डैमेज दे और अपना रैंक माइनस करवा कर लो भी पहुंच गए। तो जैसे इनको मैं यहाँ पे फिजनेस करता हूँ तो सामने की ओर भी घर में दो तीन बंदे शायद कैंपिंग कर रहे थे। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जब भी रैंक सीजन आता है तो कैंपरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो सामने वाले घर में शायद दो बंदे थे, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ IQ का 200 HP वाला दिमाग। तो क्या करता हूँ, पहले तो ये घर के चारों तरफ लैंड माइन लगाया था कि जैसे कोई बंदा ऊपर आए तो डैमेज खाए तो ये उन पर रश करके भर दे, बट ऐसा नहीं होता है। मैं अब चालाकी से इनके लैंड माइन को पहले फोड़ता हूँ, इसके बाद फिर इन्हीं के लैंड माइन के जाल पे इन्हीं को फंसाता हूँ। इनके सारे लैंड माइन तो फूट गए थे, तो सीढ़ी पे वेट करने के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं था, और अगर मैं दायर सीढ़ी से रस करता तो मेरे को बड़ी आसानी से भर देते। लेकिन मैं जानता था मैं इनसे 10 साल बड़ा हूँ और इनसे ज़्यादा गेम खेला हूँ, तो मुझे तो इस बात का एक्सपीरियंस होगा। तो मैंने पहले सबसे पहले उनके सीढ़ी पर लैंड माइन और जितने भी रास्ते थे बाहर निकलने पर उनमें अपना लैंड माइन लगाया, जिससे जब भी बाहर निकले तो ये डैमेज खाए और मैं इनको भर दूँ। मस्त प्लान है। नोप। और यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ और देखता हूँ मेरे पास रोकी भाई के दिया हुआ गन है, तो मैं उसको वहाँ पे लगा देता हूँ। तो वो मेरा कुछ और काम कर देता है, जैसे कि यहाँ पे लगाया तो ये आने वाले बंदों को डैमेज देगा और इसका फ़ायदा मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। सच बोलूँ तो गाइस, मुझे इस गन के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है। और यहाँ पे इसका ये वाला बंदा डाउन हो गया था, और इसका लास्ट वाला बंदा वही बंदा था जो चलाकी करके मेरे लैंड माइन लगाया था, जिससे कि वो कैंपर को मार सके। अब आया ना लाइन पे। और यहाँ पे जो इसका टीममेट से ये गेम का लास्ट बंदा था, अगर इसको मैं मार देता तो मैं भैया बड़ी आसानी से ले लूँगा, बट यहाँ पे मेरे को डर भी एक परसेंट डर नहीं लग रहा था क्योंकि मैं आसानी से मार लेता हूँ। रोटी मेरे ऊपर बैठी है, मैं झूठ नहीं। अच्छा देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। लेकिन KDM भाई, हेल्थ तो आपकी कम थी और मरना आपको था, पर आपको विजय कैसे मिल गया? ये राज भी उसी के साथ चला गया।